अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करता हूँ आपको इस आज के ब्रांड न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से और खैरियत से होंगे। जो व्यूवर्स मेरे चैनल पे न्यू हैं, उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि तमाम आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके ही मोबाइल पर लैंड हो सकें। कल मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं कल मेडिसिन लेने गया, तो मेरे साथ कुछ मेरे कोलीग्स थे, उन्होंने कहा कि मोहसिन भाई क्यों ना आपको बाहर घुमाया जाए ताकि आपका जो एटमॉस्फेयर है, जो एक रूम में रह के इंसान की एक तबीयत में कुछ सी जो चिड़चिड़ापन आ जाता है वो दूर हो जाए, और थोड़ा सा माहौल बदली होने से भी इंसान में की तबीयत में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। तो लिहाजा डिसाइड किया गया कि बाहर कहीं चलते हैं। बाइक पे गए, एक बाइक तीन लोग, इतना ज़्यादा वजन, बहुत मुश्किल से पहुंचे लेकिन पहुंच गए। हम अपने कुछ दोस्तों से मिलने गए तो वहाँ से फिर उन्होंने हमें लेके गए मालोफ सियालकोट। लोकेशन वाइज अगर बात करें तो लोकेशन मालोफ सियालकोट की बहुत खूबसूरत है और इसकी पार्किंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी और वसी है, जहाँ पे एट अ टाइम काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ आ सकती हैं, और बेसमेंट में भी कुछ इन्होंने पार्किंग का अरेंज किया हुआ है। जैसे ही हम मॉल में एंटर होते हैं तो एंटर होते ही आपको बहुत ज़्यादा आउटलेट डिफरेंट किस्म के ब्रांड के देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप आइडियाज़ को देख सकते हैं। एंडोर शूज़ अगर आपने परचेज़ करने हैं तो एंडोर का ब्रांड वहाँ पे है, मारिया बी का वहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाती है। लेडीज़ के शॉपिंग के लिए, फुटवेयर के लिए स्टाइलो अवेलेबल है, और भी बहुत ज़्यादा न्यू और पुराने आउटलेट वहाँ पे मौजूद हैं। कुछ वहाँ पे विंटर सेल चल रही थी। जब हम पहुँचे फिफ्थ फ्लोर पे तो कुछ बहुत ज़्यादा मायूसी दिखाई दी, क्योंकि फिफ्थ फ्लोर टोटली ही खाली पड़ा हुआ था। अगर आप सिक्स फ्लोर पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको फूड कोर्ट मिलेगा। फूड कोर्ट में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और टेस्टी खानों की आपको अरोमाज़ आपको बहुत ज़्यादा तंग करेंगे, जिसमें ओपीटीपी फ्रेंगोज हो गया, आइस शेक, हाउस ऑफ आइसक्रीम, और बहुत ज़्यादा आपको ब्रांड खाने को मिलेंगे। जो लेकिन जो मेन पॉइंट ऑफ आप तो आपको वहाँ पे व्यू मिलेगा, वहाँ सिक्स फ्लोर पे आपको बालकनी, छोटी सी बालकनी टाइप उन्होंने बनाया, वहाँ पे आपको सेंटर ऑफ सदर का एक बहुत ही अच्छा और प्यारा व्यू मिलेगा। ये अभी हमारे साथ मौजूद हैं मालोफ सियालकोट के सिक्योरिटी गार्ड। अब कितने देर से कितने बजे तक आपकी ड्यूटी होती है? 11 से 11। और ये मॉल की टाइमिंग वगैरह क्या है? 11 से 11 बजे ही। तो ज़्यादातर रश किस टाइमिंग में होता है? हफ्ता और इतवार में रश होता है। सियालकोट का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, वहाँ पे सिक्योरिटी और सर्विलेंस का बहुत अच्छा सिस्टम था। सफाई की अगर बात करें 10 out of 9 मैं उनको कोट करूँगा, क्योंकि सफाई की थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट मौजूद थी। वहाँ पे एस्केलेटर और लिफ्ट का बहुत अच्छा निज़ाम था, प्रॉपर लिफ्ट ऑपरेटर वहाँ पर मौजूद था, स्टाफ बहुत ही अच्छा था। एक प्रॉब्लम थी सिक्स फ्लोर में जो सैनमा या कुछ और फूड कोर्ट थे, फूड ब्रांचेस थी, वो तकरीबन क्लोज हो चुकी हुई हैं। वहाँ पे जितना स्टार्टिंग पे रश होता था अब वो बात नहीं रही हुई, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप एक दफ़ा लाजमी इस तरह की चीज़ को विज़िट करें। वहाँ पे फैमिलीज़ आ जा रही थी, एक बहुत ही फैमिली वाला माहौल था, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी जाएं वहाँ पे आप मास्क लगा के जाएं, क्योंकि बग़ैर मास्क के वो आपको मालोफ सियालकोट में एंटर नहीं होने देते। तो ये था मेरा आज छोटा सा रिव्यू मालोफ सियालकोट का। तो ये मेरा एक छोटा सा रिव्यू था, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा था और रोशनी का भी सिस्टम कुछ इस तरह का था कि प्रॉपर मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाया। अगर आप लोग चाहें तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं दोबारा से एक डिटेल रिव्यू आपको प्रोवाइड करूँगा, और आप मुझे बताइएगा कि आपको आज का मेरा ब्लॉग कैसे लगा। काइंडली मेरे वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिए करें, ताकि ये एक मेरे लिए अप्रिसिएशन होती है मेरे हार्ड वर्क की, ताकि आप लोग मुझे मेरी वीडियो को लाइक करते हैं तो और वो मुझे एक बूस्ट अब मिलता है कि मैं दोबारा से अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर सकूँ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। कल एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।